सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों पाजी? आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? ओके जी, आ रही है आवाज। अच्छा जी, अपने पास हेडिंग डाल लें जल्दी से भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंशियस, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंशियस, जल्दी से ये वाली हेडिंग डाल लें भाई आप लोग। अच्छा भाई, जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं पहले उसका मतलब समझ लो कि उसका मतलब क्या है। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंशियस का मतलब ये, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न इटसेल्फ फिक्स होता है, हाँ या नहीं? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न इटसेल्फ फिक्स होता है? यस सर, बिल्कुल फिक्स होता है इन लोगों का रिटर्न। अच्छा जी, पर बाज औकात हुआ यूं, सुनना मेरी बात, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं दो टाइप के सर। एक प्रेफरेंस शेयर होता है मेरे पास रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। अच्छा भाई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं मेरे पास वो होता है सर डेट, सही है भाई, वो उधार है, सही है, वो एक्विटी नहीं होता। अच्छा जी, बचता है मेरे पास इररिडीमेबल। प्लीज सुनना यार, कंपनी को पैसे चाहिए, प्लीज सुनना, कंपनी को पैसे चाहिए बट कंपनी और डेट रेज नहीं करना चाह रही। अगर वो और डेट रेज करेगी तो उसका डेट एक्विटी रेशियो खराब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओगे तुम सब, क्या मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्या मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ? देखो, अगर ये किया, अगर मैंने ये इशू किया तो दैट मींस कि मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लायबिलिटीज बढ़ गई तो दैट मींस कि मेरा डेट इक्विटी रेशियो खराब हो जाएगा, ऐसा है भाई? तो इन एनी केस मुझे इक्विटी इशू करनी है, इक्विटी में फिर चला गया भाई मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। प्लीज सुनना। अच्छा भाई, क्यूमुलेटिव वाले जो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, क्यूमुलेटिव, इनको क्या मुझे लाजमी लाजमी रिटर्न देना होता है? यस सर, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इन लोगों को लाजमी रिटर्न देना है। अच्छा जी, फिर बच गए मेरे नॉन क्यूमुलेटिव, इनको मैं हमेशा से रिटर्न देता हूं ओनली अपॉन डिक्लेरेशन, ओनली अपॉन डिक्लेरेशन। तो जब इनको मैं ओनली अपॉन डिक्लेरेशन रिटर्न देता हूं तो भाई मैंने इनको कुछ शेयर इशू किए, इन लोगों ने पैसे देने के लिए एक कंडीशन रखी, इन लोगों ने पैसे देने के लिए कंडीशन रखी। उन्होंने बोला, एक तो हमारा रिटर्न जो हम कमाएंगे वो तो फिक्स होगा ही होगा, वो तो फिक्स होगा ही होगा, इसके अलावा अगर जो पैसा बच गया उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। विथ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, सही है, गेम समझना। फिक्स प्लान डिक्लेयर, बिल्कुल शामिल। अब शामिल, ये देखना एक मिनट फोकस के साथ। सर मुझे एक बात बताओ, आज तक जो आपने अकाउंटिंग की मेरे साथ, आज तक आपने जो पीपी की क्या, वो पीपी बोल रहा हूँ, ईपीएस की कैलकुलेशन की, तो उसमें से आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न माइनस किया था? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न माइनस किया था? सर क्यूमुलेटिव का माइनस किया था इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, नॉन क्यूमुलेटिव का माइनस किया था ओनली अपॉन डिक्लेरेशन। तो
तो जो पैसे बच गए थे, जो पैसे बच गए थे वो पूरे के पूरे पैसे किसके थे आज तक? हाँ जी प्लीज लिख के बता दो, जिंदा लाश नहीं बनना तुम लोगों ने। हाँ जी किसके थे पैसे आज तक जो हमने ये देखे थे, किसके पैसे थे ये प्लीज बता दो लिख के। सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे थे, पूरे के पूरा पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का था, ऐसा ही है भाई? अच्छा जी, पर अब देखो गेम कुछ अलग है। अब देखो ये मेरे पास एक ऐसे क्लास के इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं कि इनको ये वाला रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा वाला? जो ये मैंने माइनस करवाया था। पर क्या ये जो पैसे बच गए इसमें भी ये इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें भी ये इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे? यस और नो? यस और नो? यस सर, इसमें भी ये इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे? तो क्या सर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा? यस सर। क्या पहले इतना कंफर्म करो, क्या पार्टिसिपेशन का मतलब समझ आता है? क्या पार्टिसिपेशन का मतलब समझ आता है कि मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ अब पार्टिसिपेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स में, ऐसा है? जल्दी बताओ ऐसा है भाई? चले जी, इसके बाद एक स्टेप आगे लेके चलते हैं इसको। सर इसको समझ सही है, पार्टिसिपेट हर साल करेंगे, जब उनका डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल करेंगे। हर साल जो बच गया उसके लिए ना, उसके लिए मैं ईपीएस निकालना सिखाऊंगा अभी शामिर। सही है भाई? शामिर का सवाल ये कि सर ये पार्टिसिपेट हर साल करेंगे? बिल्कुल, हर साल जितना बच गया उसमें पार्टिसिपेट करेंगे विद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सही है शामिर? हर साल जितना बच गया उसमें पार्टिसिपेट करेंगे विद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आज से पहले जो हम लोगों ने केसेस किए हैं शामिल, आज से पहले जो हमने केसेस किए उसमें पूरा का पूरा पैसा किसका होता था, जल्दी बताओ? हाँ शामिल, आज से पहले जो हमने केसेस किए हैं उसमें पूरा का पूरा पैसा किसका होता था? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। पर आज के बाद अगर किसी सवाल में तुम्हें पार्टिसिपेटिंग शेयर्स देखें, पार्टिसिपेटरी शेयर्स देखें, तो क्या वो पूरा का पूरा पैसा जो बच गया क्या वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में बांटोगे? नहीं। उसमें से किसका पैसा अलग करोगे? उसमें से किसका पैसा अलग करोगे? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जो कि पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं। चलें जी, इसी चीज को समझने के लिए एग्जांपल बना दी मैंने। फोकस करना सब यार, प्लीज फोकस करना। इसमें कुछ तरीका अलग है, इसमें कुछ तरीका अलग है, उसी तरीकों को मैंने समझाना है, तो जरा फोकस करिएगा इस पे आप। एक सेकंड देना यार। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप नोट करें, इस कॉन्सेप्ट के अंदर देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास 10,000, पार वैल्यू है 10, तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल 1 मिलियन का होगा। शेयर कैपिटल? यस सर। मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन क्यूमुलेटिव 50,000 के, 50,000 शेयर्स हैं। एक शेयर है 10 रुपए का, इसके ऊपर डिविडेंड है 15%। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप बेसिक ईपीएस निकालते हैं, हाँ या नहीं? सबसे पहले आप बेसिक ईपीएस निकालते हैं? हाँ जी, सबसे पहले आप बेसिक ईपीएस निकालते हैं, हाँ या नहीं? यस सर, निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरे पास जो प्रॉफिट है इस कंपनी का वो है 5 लाख। मेरे पास जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो है सर 5 लाख का, ऐसा ही है भाई? 5 लाख का प्रॉफिट है मेरे पास। अब प्लीज मेरी बात पे फोकस करना। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मैंने नॉन क्यूमुलेटिव वालों को 15% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 15% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो मुझे एक बात बताओ प्लीज, सबने पार्टिसिपेट करना है, प्लीज सबने पार्टिसिपेट करना है। शामिल मुझे एक बात बताओ, क्या मैं
इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या नॉन क्यूमुलेटिव वालों का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा? नॉन क्यूमुलेटिव वालों का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा, नॉन क्यूमुलेटिव वालों का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा। यस सर, क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है, ऐसा ही है भाई। ओके, तो मैंने क्या किया, 50,000 शेयर थे इनके, 10 का 1 का इस पे 15% का रिटर्न दे दिया। कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है अमाउंट, शामी कंफर्म करके बताओ कितना आ रहा है, क्या 75,000 आ रहा है? क्या 75,000 आ रहा है सर? 50,000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इनटू 15%, सर 75,000 आना सीधा सीधा। चलें जी, इसके बाद जब मैंने आज तक ये सवाल किए थे तो मेरे पास ये जो पैसा बच गया था, क्या ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का पैसा था शामिल? क्या ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का पैसा था आज तक? और मैंने इसको डिवाइड करवा दिया था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, याद आ रहा है शामिल? इसको मैंने डिवाइड करवा दिया था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, तो किसकी ईपीएस आ गई थी? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ईपीएस, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ईपीएस आ गई थी। पर अब जरा फोकस करना, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब स्टेप वन के अंदर, अब मैं स्टेप वन के अंदर निकालूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या मैं कह सकता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ये है शामिल, बचा कुचा प्रॉफिट सबको बांटने के बाद, सबको बांटने के बाद, सबको बांटने के बाद। तो मैंने क्या किया, आज एक और काम किया, मैंने अगर उस साल कोई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड था वो भी माइनस किया। वो कैसे माइनस किया भाई, 1,00,000 × 10 × 5%, सर 50,000 आ गया। क्या मेरे पास ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया? क्या मेरे पास ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया? फोकस करना सर, ये मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, देखना यार इसमें, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है या दो लोगों का है? सर ये दो लोगों का है, इसमें कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है और कुछ पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, ऐसा ही है भाई। इसीलिए मैंने पहले वाला भी नहीं, मैंने सबसे पहले सबको पैसे बांटे इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर वालों को, उसके बाद मैंने ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल लिया। मैंने देखा एग्रीमेंट्स में जाके कि क्या फॉर्मूला है, क्या स्कीम है। उसने कहा कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट 1/2 ऑफ द अमाउंट पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑन पर शेयर बेसिस। देखो वो क्या क्या रहा है, वो कह रहा है कि जो पैसा बच गया, जो पैसा बच गया ड्यूरिंग द ईयर, आइडियली वो पूरा का पूरा, आइडियली वो पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का हुआ करता था, अब नहीं है क्योंकि अब उसमें पार्टिसिपेशन आ गई है एक और बंदे की, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसा ही है भाई। एक मिनट रुकना,
नहीं एक मिनट रुकना, बस एक मिनट, सॉरी यार सलामत आया थे एक मिनट, इसलिए उनसे बात हो रही थी। अच्छा जी प्लीज यार फोकस करना यहाँ पे, इसको मैं कनेक्ट करूँ आगे, सीधा सीधा हिसाब किताब है इसका भी। क्या कह रहे हैं भाई, ये बच्चा आया हमारे पास, क्लास नया शुरू हुई है, 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए ज्यादा से ज्यादा। सही है, मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं करवा क्या रहा हूँ नायमा। सही है, फोकस कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि 3 4 बच्चे अभी हैं। चलिए जी नायमा, मैंने आज कॉन्सेप्ट शुरू करवाया है, मैंने आज कॉन्सेप्ट शुरू करवाया है पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स का। राइट है, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स का। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आज तक हमने देखा था उनका जो रिटर्न फिक्स था वो ही मिला करता था उनको। ऐसा है नायमा, उनका जो रिटर्न फिक्स था उनको सिर्फ वो ही मिला करता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसा ही है, तो हम क्या करते थे नायमा आज तक, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न माइनस करके जो बच जाता था वो सबका सब किसको दे देते थे। जल्दी बताओ नायमा, हम सबका सब किसको दे दिया करते थे, हम सबका सब किसको दे दिया करते थे आज तक? सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करवाने के बाद। ऐसा ही है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा के हम ईपीएस निकाल लेते थे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। पर बाज औकात ऐसा होता है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अब पैसे देते वक्त एक कंडीशन लगा देते हैं नामा, वो कंडीशन ये होती है, वो बोलते हैं एक तो हमें ये रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ये जो रिटर्न है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा नामा वो कहते हैं कि जो पैसा बच जाएगा ना सबको बांटने के बाद उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, वो किसी रेशियो में करेंगे। नामा यहां तक बात समझ आती है? जल्दी बताओ यार, सुनो यहाँ तक बात समझ आती है? ओके, फिर हमने क्या किया, मैंने एक इलस्ट्रेशन बना दी। सही, बीच में सर आ गए तो मैं उनसे डिस्कशन में लग गया था, अभी मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। मैंने कहा मेरे पास 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स हैं 50,000, यानी तुम्हारा इशू मैंने पूछा सर से, मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्लास के बाद। सही है, तुम लोग यही हो ना, हाँ आप क्लास के बाद कर लेता हूँ मैं, क्लास कब करेंगे? मेरी है 6:30 बजे तक। हाँ साढ़े कॉल पे कर लेना, मतलब तुमको वही बात पूछना, हम वो कर रहे हैं, हम आपको मैसेज मैसेज कर आपको देंगे व्हाट्सएप। ओके अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि भाई 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स थे मेरे पास और क्यों नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे 50,000। नायमा जल्दी से बता दो, शामिल तुम भी बता दो, सामा तुम भी बता दो, अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, सही है, और नॉन क्यूमुलेटिव पे मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या बेसिक ईपीएस निकालते वक्त क्या मैं इसका रिटर्न माइनस करूंगा अगर ये डिक्लेयर हुआ है? अगर ये डिक्लेयर हुआ है यस सर माइनस करूंगा। मैंने इसमें से माइनस कर लिया, मैंने क्या किया 50,000 × 10 × 15% कर लिया, मेरे पास 4,25 आ गया। प्लीज सब एक साथ बताना, क्या आज से पहले ये 4,25,000 मैंने पूरे के पूरे उठा के किसको दे दिए थे?
आज से पहले पूरे के पूरे 4,25,000 किसको उठा के दे दिए थे मैंने, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। पर अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वहां लिखा हुआ है एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में नहीं बढ़ेंगे, कितने लोगों में बढ़ेंगे, 2 लोगों में। वेरी गुड, तो आप जरा मुझे सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने होंगे, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने होंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए, रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है सबको पैसा बांटने के बाद, तो क्या सवाल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिला है? यस सर, मिला है। मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी माइनस कर लिया, जो कि नॉर्मल केसेस में मैं नहीं करता क्योंकि उनका ही पैसा होता है ना, उन्हीं की ईपीएस निकाल रहा होता हूं। पर इस केस में मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहां तक समझ आता है भाई? मैंने सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल लिया, बचा कुचा प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बताएगा ना शामिर, क्वेश्चन बताएगा ना। आज तक हमने जितने सवाल किए थे उसमें नहीं थे ना पार्टिसिपेशन, आज पहली बार कर रहे हैं शामिर ये वाला केस, सेट है। चलिए जी, ये आ गया मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, अब ये जो पैसा बच गया, क्या ये पूरा का पूरा मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे दूं या इसके 2 हकदार हैं? जल्दी बता दो, क्या ये पूरा का पूरा मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे दूं या इसके 2 हकदार हैं? जल्दी बताओ सर, 2 हकदार है ना, एक हकदार है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, दूसरा हकदार है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, तो मुझे एक बात तुम्हें याद रखनी है सब बच्चों को, क्योंकि आगे मैं कनेक्ट करूंगा। एक बात सब बच्चों को याद ये रखनी है कि आप लोगों ने इस फॉर द ईयर की कमाई में से 50,000 रुपए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। क्या ये मानते हो 50,000 रुपए आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं फॉर द ईयर में से? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी पार्टिसिपेटरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब आपको सवाल में या प्रैक्टिकली एग्रीमेंट में जाकर देखना है कि टर्म्स क्या है। वो कह रहा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट 1/2 ऑफ द अमाउंट पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑन पर शेयर बेसिस। वो बोल रहा है मुझे नहीं पता कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को आगे जाके कितना मिलेगा, पर क्या ये मानते हो इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से मिलेगा 375,000 में से, हाँ या नहीं? क्या ये बात मानते हो 375,000 में से मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को? पर 375,000 में से, 375,000 में से जितना भी डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दोगे उसका 1/2 किसको दोगे, लिख के बता दो, उसका 1/2 किसको दोगे, लिख के बता दो, लिख के बता दो, प्लीज बता दो यार, उसका 1/2 किसको दोगे, पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वेरी गुड, चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, इस केस में मुझे बनानी है इक्वेशन। अच्छा, क्योंकि उसने क्या लिखा है, क्या शेयर्स की वेटेज आ गई यहाँ पे, शेयर्स की वेटेज आ गई, क्या शेयर्स की वेटेज आ गई, बोला पर शेयर बेसिस पे। मैंने अज्यूम ये किया कि अगर एक्स रुपीस पर शेयर का डिविडेंड आप देंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, तो एक्स का 1/2 आप किसको देंगे, हाँ जी, एक्स का 1/2 आप किसको देंगे, प्लीज बता दो, एक्स का 1/2 आप किसको देंगे, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, सीधी सी बात है। इसके लिए हम बनाएंगे एक इक्वेशन, ये जो एक्स रुपीस पर शेयर का डिविडेंड है, क्या ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड है? ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे पास है कितने क्यूमुलेटिवली, प्लीज बता दो, मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स इन टोटैलिटी कितने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स इन टोटैलिटी कितने हैं मेरे पास, प्लीज बता दो, 10,000 या 1,00,000 है? ओके, 1,00,000 है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मैं एक शेयर पे जो डिविडेंड दूंगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को,
एक शेयर पे जो भी डिविडेंड दूंगा इसका 1/2 किसको दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वेरी गुड यार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। अच्छा पर इनको कितने शेयर्स पे मिलेगा? इनको कितने शेयर्स पे मिलेगा जल्दी बताओ। पचास हजार शेयर्स पे। पर क्यूमुलेटिवली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? 375,000। ये बात समझ आती है भाई? यानी मैंने ये कहा मुझे टोटल 375,000 बांटना है, उसमें से एक्स रुपीज पर शेयर का डिविडेंड आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दोगे, एक्स का 1/2 आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। मुझे जरा एक बात बताओगे आप सब बच्चे कि सर अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सर जो ये मल्टीपल बन रहा है यहाँ पे, क्या 25,000 एक्स बन रहा है? क्या यहाँ पे ये 25,000 एक्स बन रहा है? प्लस 1,00,000 एक्स, ऐसा ही है? ये आ गया सर 375,000। सर फिर मुझे बताएं, मेरे पास आ गया 1,25,000 एक्स इनटू 375,000। तो सर मुझे एक बात बताएंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितने रुपीस पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा? ₹3 पर शेयर का, पक्की बात है ₹3 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, ऐसा ही है भाई? अच्छा तो मुझे कोई बताएगा तुम में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 1.5, यानी वो हमने ऐसे निकाला 3 × 1/2, ऐसा ही है भाई? अच्छा अब मुझे बताएं, वेरी गुड यार, अब मुझे एक बात बता देंगे जरा सारे पप्पू, अब मुझे यहाँ पे निकालनी है ईपीएस फॉर द ईयर। ईपीएस आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कौन से शेयर होल्डर के लिए निकलती है? ईपीएस आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कौन से शेयर होल्डर के लिए निकलती है? कौन से शेयर होल्डर के लिए निकलती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए। अब मैं आपको एक गेम सिखा रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना, फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड ईपीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ईपीएस आपने कितना पैसा बांटा था उनको, आपने कितना पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे दिया था? प्लीज बताओ कितना पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे दिया था, प्लीज बता दो यार। 50,000। पर 50,000 तो टोटल है ना, अगर मैं इसको 1,00,000 से डिवाइड करूं तो पर शेयर मिल जाएगा क्या? 50,000 को मैं 1,00,000 से डिवाइड करूं तो क्या पर शेयर का रिटर्न मिल जाएगा जो मुझे पता लगेगा पर शेयर पे इतना दिया, पर शेयर पे कितना दिया? हाँ जी, पर शेयर पे कितना दिया है? 0.5। अच्छा तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने 0.5 की अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, 0.5 की अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अच्छा आप क्या ये मानते हो कि ₹3 पर शेयर मैंने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? ₹3 पर शेयर मैंने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये अभी भी उनको देना बाकी है, ऐसा है? तो मैं अगर ये कहूं कि क्या मैं कह सकता हूं 3.5 पर शेयर मेरी ईपीएस है, मैं वापस से बता देता हूँ शाम में, कोई मसला नहीं है, इसको मैं लिंक भी करूंगा दूसरे तरीके से, फोकस करना है। मुझे एक बात बताओ, आपकी इनकम क्या हुई है, आपकी इनकम क्या होती है, पैसा कमाया हुआ या पैसा रिसीव किया हुआ? लिख के बताओ पहले, आपकी इनकम क्या होती है, कमाया हुआ पैसा या सिर्फ रिसीव किया हुआ पैसा?
प्लीज बता दो। मोहम्मद शामी कह रहे हैं सर कमाया हुआ। भाई नायमा आप क्या कहती हैं, कमाया हुआ ऐसा ही है भाई, कमाया हुआ कहती हैं आप कि भाई जो मेरी इनकम होती है कमाई हुई होती है ना के रिसीव हुई भी, ऐसा ही है भाई, वेरी गुड, ना के रिसीव हुई भी। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे शेयर होल्डर्स ने, इन सब शेयर होल्डर्स ने जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, 3.5 पर शेयर कमाया है, जिसमें से प्लीज सुनना, जिसमें से 0.5 उनको ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है। क्या मैं कह सकता हूँ 3 रुपीज पर शेयर येट टू बी रियलाइज है, येट टू बी रियलाइज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ? सर आपने पहले ईपीएस हमें अलग तरीके से निकालना सिखाई थी, अब आप अलग तरीके से निकालना सिखा रहे हैं। सर पहले वाले तरीके से करके बताएं जैसे हमने सीखा है। आप मुझे एक बात बताएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था मेरा ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था आपका? 5 लाख। अब पार्टिसिपेट करना आपने, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, 5 लाख का, ऐसा ही है भाई। आपने इसमें से लेस किया था प्रेफरेंस डिविडेंड जो के डिक्लेयर था, ऐसा ही है भाई। कितने का? 75,000 का। कितने बच गए थे आपके पास? 4.25। पार्टिसिपेट करना, गोली गोली समझाऊंगा, पार्टिसिपेट करना। 4.25 बच गए। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4.25 जो बच चुके हैं, प्लीज मेरी बात सुनना, क्या ये जो 4.25 बच चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4.25 पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ईपीएस निकाल लूं? अगर नहीं निकालूं तो क्यों नहीं निकालूं ये भी बताना। हाँ भाई, क्या 4.25 पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ईपीएस निकाल लूं शेयर रख के? हाँ जी जल्दी बता दो, क्या 4.25 पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की ईपीएस निकाल दूं? अगर निकालूं तो क्यों नहीं निकालूं या निकालूं, दोनों का फर्क बताओ जल्दी से यार, प्लीज बाबू। शामिल कह रहे हैं सर यहाँ पार्टिसिपेटरी शेयर्स का पैसा भी शामिल है क्या? शामिल सही कह रहे हैं क्या? शामिल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स का भी पैसा शामिल है। पर मुझे एक बात बताओ, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स में, ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स नहीं थे। रिमेनिंग प्रॉफिट्स तब निकलेंगे जब आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा भी उनको दे दो। ये बात समझ आती है। हमने क्या किया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा भी उनको दे दिया, यानी मैं ये कह सकता हूं 4,25,000 की कमाई में से 50,000 रुपये मैंने बांट दिया, ऐसा ही है भाई। मेरे पास रिमेनिंग अर्निंग आ गई 375,000। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, इस 375,000 के मैंने बनाए दो हिस्से, इसमें से कुछ पैसा किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। कुछ पैसा किसका है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। मैंने कहा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इसमें से 3 रुपीज पर शेयर लेके जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इसमें से 3 रुपीज पर शेयर लेके जाएगा। सर देखो मैंने यहां से निकाला था ऐसे, ये वाला ये आ रहा है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1.5 पर शेयर लेके जाएगा। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना, क्या 1.5 पर शेयर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कितने शेयर होल्डर थे ये लोग? 50,000 थे ना। 1.5 × 50 करो कितना आता है प्लीज यार, 1,00,000 आता है। 1.5 75,000 आता है, 75,000 आ गया। और मैं 3 को 1,00,000 रुपए से मल्टीप्लाई करूं कितना आता है? 3,00,000। क्या टोटल 375,000 बाद में उन लोगों को मिलेगा? पहले इतना लिख के बता दो, क्या 375,000 बाद में उन लोगों को मिलेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी अब मेरी बात सुनेंगे सब। मैंने सबसे पहले प्लीज सुनना, जब भी ऐसा सवाल आएगा मैंने सबसे पहले करना ये है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकालनी है। लिख के बताओ मैंने क्या बोला है ताकि मैं समझूं के साथ हूं मेरे।
कौन सी अर्निंग निकालोगे, कौन सी अर्निंग निकालोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग इसलिए निकालोगे क्योंकि पूरे साल के पैसे में से किसका शेयर निकाल सको, लिख के बताओ यार। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग इसलिए निकालोगे क्योंकि पूरे साल के शेयर में से किसका पैसा निकाल सको। हाँ जी सदफ, किसका पैसा निकाल सके? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा निकाल सके। ऐसा ही है भाई, मैंने निकाल लिया। अब देखो गधा मजदूरी भी हो सकती है, अब सीधा सीधा भी कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मेरा 5 लाख, इस 5 लाख में से मैं लेस कर दूं सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिक्लेयर्ड 75,000। क्या मैं कह सकता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अनडिक्लेयर्ड भी है? अनडिक्लेयर्ड कितना है, कोई लिख के बताओ अनडिक्लेयर्ड कितना है जो येट टू बी पार्टिसिपेटेड है? येट टू बी पार्टिसिपेटेड है कितना है भाई? $75,000। मुझे बताओगे आप सब बच्चे ये कितना बचता है पैसा, कितना बचता है पूरे 5 लाख में से अगर मैंने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा कटा दिया, कितना बच गया? प्लीज बता दो कितना बच गया। तीन पचास। अच्छा जी, अब प्लीज फोकस करना, ये हमारा वाला तरीका है जैसे हम ईपीएस निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या 350 पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, हाँ या नहीं? क्या 350 पूरा का पूरा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है? है? अच्छा जी, पर अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं 350 को डिवाइड कर दूं 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स से, ईपीएस कितने की आ रही है? ईपीएस कितने की आ रही है? 3.5 की। पर सर हमने जो निकाली थी, हमने ऐसे निकाली थी ईपीएस, सुनना, क्या मैं कह सकता हूं इसमें से 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं इसमें से 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या नहीं? और 3 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ऐसा है? तो सर क्या आप ये समझने में कामयाब हो गए कि मेरी अर्निंग पर शेयर अर्निंग्स कहलाएगी चाहे वो बांटी गई हो या नहीं बांटी, यानी एक शेयर होल्डर की अर्निंग अर्निंग होती है चाहे वो रिसीव हुई या ना हुई, ऐसा है भाई? अर्निंग अर्निंग होती है चाहे रिसीव हो या ना हो, ऐसा ही है भाई? अर्निंग अर्निंग होती है चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, ये बात समझ आती है पप्पू? तो सर एक छोटा सा रिकैप ताकि आपके दिमाग में ये ना और अच्छे से फिक्स हो जाए। मुझे एक बात बताओ, जब भी पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, आप क्या नॉर्मल तरीके से जाएंगे या सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकालेंगे? प्लीज बताओ, लिख के देना भाई, तुम्हारे लिए मैंने इतनी एफर्ट्स किए, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या नॉर्मल तरीके से जाओगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकालोगे? चलिए जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकालेंगे। अच्छा फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग इसलिए निकालोगे ताकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बचे कुचे पैसे निकाल सको जो कि अब तक उसको डिक्लेयर नहीं हुए बट हाँ फ्यूचर में मिलेंगे, पर इसी साल के पैसे में से मिलेंगे, हाँ क्या इसलिए होगा? जल्दी भाई, नायमा, सदफ, शामी, उसामा, सबने जवाब देना भाई, मरना नहीं है। क्या मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स इसलिए निकालूंगा ताकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इस साल के कमाए हुए पैसे का राइट निकाल सकूं जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा है? ऐसा है भाई? चलें, तो मुझे एक बात बताएं, जो पैसे उसको हर साल के हिसाब से मिलने थे वो तो अपनी जगह मिलेंगे ना? हाँ जी, वो तो उसका रिटर्न फिक्स है, वो तो मिलेंगे, पर क्या मैं इस वाले रिटर्न की बात करूंगा या इसके अलावा पार्टिसिपेशन वाले रिटर्न की बात करूं? जल्दी बताओ, क्या मैं इस रिटर्न की बात करूंगा या पार्टिसिपेशन वाले रिटर्न की बात करूंगा? हाँ जी, क्या इस रिटर्न की बात कर रहा हूं या पार्टिसिपेशन वाले रिटर्न की बात कर रहा हूं? प्लीज बता दो यार। सर पार्टिसिपेशन वाले रिटर्न की बात कर रहा हूं, वेरी गुड। चलें जी,
अब जब मैं पार्टिसिपेशन वाले रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो वो रिटर्न निकालने के लिए मुझे बचे कुछ पैसे चाहिए। मैंने निकाल ली अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, वो आ गई 375,000। अब मुझे स्कीम देखनी है, अब मुझे स्कीम देखनी है, स्कीम देखनी है कि भाई क्या, सुनना मेरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस क्या है। उसने क्या बोला, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 1/2 लेके जाएंगे उस अमाउंट का जो के दी जाएगी किसको, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, वो भी पर शेयर बेसिस। देखो यहाँ पे पर शेयर बेसिस आ गया क्या, इसलिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी, यहाँ पे पर शेयर बेसिस आ गया क्या, इसलिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी। अगर पर शेयर बेसिस नहीं होता तो अगर वो कहता कि 50 और 60, मतलब जो 40 और 60 में बच जाएगा, सीधा सीधा 375 पे परसेंटेज लग जाती, सीधा सीधा 375 पे परसेंटेज लग जाती अगर पर शेयर बेसिस नहीं होता। ओके जी, वेरी गुड सर, ये बात भी समझ आती है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, इस 375,000 जो बच गए पैसे, बचे हुए पैसे हैं, इसमें से मैंने दोनों का शेयर निकाल लिया। मेरे पास आप लिख के बताएंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना लेके जाएंगे पर शेयर बेसिस पे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना लेके जाएंगे पर शेयर बेसिस पे, 3 रुपए। वेरी गुड, अच्छा उसका आधा कौन लेके जाएगा पर शेयर बेसिस पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं ईपीएस आराम से निकाल सकता हूँ क्या? मैंने ऊपर ऑलरेडी दो तरीके ईपीएस निकालने के, दो तरीके। पहला, जो पैसा आपने बांट दिया क्या वो अपनी अर्निंग में से ही बांटा था ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। जो पैसा आपने बांटा क्या अपनी अर्निंग में से बांटा था, तो क्या वो उनकी वही कमाई है जो उन लोगों को रियलाइज हो गई है, क्या ये उनकी वही कमाई है जो उन लोगों को रियलाइज हो गई है। मैंने क्या किया, 50,000 को डिवाइड करा दिया, 50,000 को डिवाइड करा दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग मिल गई, क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग मिल गई 1 लाख से डिवाइड करा के, ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी निकाल ली थी ऊपर इक्वेशन से, टोटल कितना कमा लिया उन लोगों ने, टोटल कितना कमा लिया, 3.5। अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो फॉर द ईयर का प्रॉफिट था मेरा जितना भी था, उसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इतना कमा चुके हैं, पर शेयर पे 0.5 कमा चुके हैं, ऐसा ही है, हमने डिविडेंड दिया था ना। अच्छा, फिर 3 रुपए कमाए तो हैं बट रिसीव नहीं हुए, ऐसा है, तो मेरी टोटल इनकम 3.5 हो गई। यानी ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने टेक्निकली पूरे साल में कितना कमा लिया, लिख के दो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने पूरे साल में टेक्निकली कितना कमाया, 3.5। पर मैंने कहा नहीं सर, हम अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखा, ऐसा ही है, उसमें से जो डिक्लेयर्ड इनकम है, फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम वो माइनस कर ली भाई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जो ये 75,000 था, 75,000 मुझे पता था 1.5 × 50,000 आया, ऐसा ही है भाई, जो हमने इक्वेशन से निकाला था। तो अगर पूरे साल की इनकम में से, पूरे साल की इनकम में से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा माइनस कर दूं, तो सिर्फ किसका पैसा बचेगा, लिख के बताओ, सिर्फ किसका पैसा बचेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। क्या यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का 3.50 बच गया, हाँ जी, क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का 3.50 बच गया। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का जब 3.50 बच गया, मैंने उसके शेयर से डिवाइड करा दिया, ईपीएस आ गई 3.5। अब मैं यहां भी यूं कर सकता हूं, इसमें से 0.5 डिस्ट्रीब्यूटेड है और 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात समझ आती है आप लोगों को। बिल्कुल जी, चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, अब आप आराम से कॉपी करेंगे, जल्दी से अच्छे से छापना है इसको, प्लीज अच्छे से छापना है। जी बिल्कुल, पूरा छापे ना, आप लोगों के लिए इलस्ट्रेशन है भाई। सही है, छापे इसको, पर हमें एक सवाल करना, थोड़ा स्पीड में छापिएगा प्लीज। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज ईपीएस के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं, अब हमें से पास पेपर्स करना है।
यानी नेक्स्ट मैं कराऊंगा IAS 19, क्या ये छाप लिया? उसामा, शामीर, नायमा, ये छाप लिया भाई यहां तक? ओके, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं उसको, ये छाप लो, ये नहीं छापना, जो मैंने अपनी तरफ से किया वो छापना, सही है? ये मैं काटता हूं, हाँ मैं स्क्रॉल डाउन करूं, बाबू बता दो, स्क्रॉल डाउन करूं उसको और नीचे, ताकि अब आखिरी वाला पार्ट छाप लो।
अगर ये इक्वेशन हो गई तो। ओके जी, हाँ जी, कॉपी कर लिया। हाँ भाई, कॉपी कर लिया, चलें सवाल पे। अच्छा जी, कोई मुझे बताएगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था आपको इम्प्यूटेड डिविडेंड का, नायमा याद है? उसामा, शामीर याद है? कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्यूटेड डिविडेंड, यानी एक प्रेफरेंस शेयर पे मैं रिटर्न देता था कुछ सालों के बाद, तो आज मैं उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया था मैंने, याद आ रहा है? तो हर साल की जो अमोर्टाइजेशन है, हर साल की जो डिस्काउंटिंग है, वो रेलेवेंट ईयर में माइनस होती है, याद आ रहा है ना भाई? चलें जी, उस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को रख के हमें ये जो है समर 2017 का सवाल करना है। ये है कोई 8 नंबर का। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही है, जरा जल्दी से मुझे करके दिखाएं। आपका समय शुरू होता है अब।
हाँ जी, कितनी आई ईपीएस, कोई ज्यादा बताएगा? इतने टाइम में तो ये हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। हाँ भाई, मैं करवा दूंगी सवाल। बाबू, अगर आप लोग जिंदा हैं तो आप मतलब जवाब देने की तौफीक अता फरमाएंगे। उसामा, हो गया ये सवाल? शामी, नायमा, सरवर, दो मिनट और। ओके, ले लें 2 मिनट। ले, ओके, मैं करवा देता हूँ। नामा, सीधा सीधा हिसाब किताब है, देखना। अभी करवा देता हूँ मैं। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ नामा, आप ही गाइड करोगे सही है सवाल में भी। नामा बताओ मुझे, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? मिनट, जरा मैं चार्जर लगा दूँ वरना ये बंद हो जाएगा।
ओके नायमा कह रही है सर इसका जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है भाई वो आ रहा है कितना 150। सही है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150। नायमा आप देखो एक एक करके रीड करते हैं। सही है, देखो वो क्या क्या रहा है। 9% क्लास ए प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास, 100 रुपए का एक है और कुल मिला के कोई मेरे पास 200 मिलियन की अमाउंट है उसकी। ऐसा ही है, अब देखते हैं कहता क्या क्लास ए के बारे में। क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स विच वर इशूड ऑन जनवरी 1, 2014 आर क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन रिडीमेबल, यानी इरिडीमेबल है। सही है, बट क्यूमुलेटिव है। दीज शेयर्स वर इशूड एट ₹77.22 पर शेयर, आई एट अ डिस्काउंट ऑफ 22.78 पर शेयर। 22.78 पर शेयर। दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एनुअल डिविडेंड ऑफ 9% विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2017। मुझे एक बात बताओ नामा, क्या ये इम्प्यूटेड डिविडेंड वाली कहानी है? इम्प्यूटेड डिविडेंड, मेरा करंट ईयर चल रहा है 2016, ऐसा ही है 2016 चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको इश्यू किया था वो डेट थी कौन सी? 2014। ऐसा ही है, हमने क्या किया, हमने 2014 से लेके आपके समझने के लिए मूवमेंट बना ली भाई। हम हैं 2016 में, कितने का इश्यू किया था नायमा? अच्छा वैसे ही कैलकुलेटर पे एक चीज करके देख लो, कैलकुलेटर पे एक चीज करके देखो, इसकी एक की फेस वैल्यू 100 रुपए। सही है, एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, वहां पे 1.09 की पावर 3, 3 साल पीछे लेके आओ नायमा, कितने का आता ही है? ₹77.22 यही आता ना वहां। यानी हमने इतने का इशू किया था, इसके ऊपर रिटर्न देने का वादा किया है 3 सालों बाद, 2014 में वादा किया है। दैट मींस कि मैं इसको ग्रो कराते 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 कहां पे लेके आऊंगा, 100 पे, पर ये 3 सालों में ग्रो होगा। ऐसा ही है ना वहां, ये 3 सालों में ग्रो होगा। पहले साल की अगर मुझे ग्रोथ बताओ, यानी मैं इसकी अमोर्टाइजेशन यहाँ पे लिखूं, तो 77.22 का 9% कितना आता है? 6.95। तो क्लोजिंग कितना हो गया? 77.22 प्लस 6.95, 84.17। वेरी गुड, ये आ गया सर 84.17 इंटू 0.09, 7.57, ये आ गया 7.58। ये कितना आ गया क्लोजिंग? क्लोजिंग कितना आ गया इसका नाम? वालेकुम सलाम। अच्छा मैं जाने तेरे को कॉल करता हूँ, 1 मिनट में जरा क्लास ले रहा हूँ। सही है, कॉल बैक कर रहा हूँ उसके। ये आ गया 91.75, ये आ गया 91.75। इस पे अमोर्टाइजेशन कितनी? 8.26। क्लोजिंग 100 आ गया। अच्छा नायमा मुझे एक बात बताओ, मैं इस स्पैन ऑफ टाइम में हूँ, इस स्पैन ऑफ टाइम में 2016 में, ऐसा ही है, तो दैट मींस कि मेरी रिटेन अर्निंग से ये अमोर्टाइजेशन हुई होगी, मेरी रिटेन अर्निंग से ये वाली अमोर्टाइजेशन हुई होगी, ऐसा ही है। अच्छा पर ये पर शेयर की है, ये पर शेयर की है, मुझे एक बात बताओ, एक शेयर की है ना ये, तो क्या मेरे पास इसके 2 मिलियन शेयर हैं? 200 को 100 से डिवाइड करो कितना आता है नायमा? 200 को 100 से डिवाइड करो कितने मिलियन शेयर्स हैं? 2 मिलियन शेयर्स हैं। ऐसा ही है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है? 16.52। नामा क्या 16.52 का मुझे क्लास ए के प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न माइनस करना चाहिए? क्लास ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यूमुलेटिव इम्प्यूटेड डिविडेंड, बताइए भाई।
ये आ गया हमारा 16.52, ये माइनस हो गया। भाई यहाँ तक कितने लोगों ने सही कर लिया था, ये वाला पहला वाला केस, पहला केस कितने लोगों ने सही कर लिया था? कोई पंगा यहाँ तक? नो सर, कोई पंगा नहीं। अच्छा अब नायमा मुझे एक बात बताओ, चलो जी अब नायमा मुझे एक बात बताओ, कह रहा है क्लास बी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इश्यूड ऑन January 1, 2016 आर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल एंड इररिडीमेबल। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ दीज शेयर्स वॉज मेड ऑन 29 दिसंबर 2016। क्या नायमा इस पे डिक्लेरेशन हुई है? क्या इस पे डिक्लेरेशन हुई है? क्या इस पे डिक्लेरेशन हुई है? देखो 29 दिसंबर को हुई है, ऐसा ही है। तो ये नॉन क्यूमुलेटिव है, इनको मैं माइनस करता हूं ओनली अपॉन डिक्लेरेशन। नॉन क्यूमुलेटिव ऐसा ही है भाई, ये है क्लास बी। अच्छा अब मुझे इसका अगर रिटर्न निकालना है तो 6% 300 का कितना बनता है नायमा? 6% कितना बनता है? 18। क्या ये 18 भी यहां से कटा दूं? नायमा रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ कितना आता है अभी, अब कितना आ रहा है प्रॉफिट? वैसे इसको मैं कहता हूं ये फिक्स रिटर्न था इनका जो दिया है 115.48। अच्छा अब सब बच्चे बताएंगे, उसामा शामिल वगैरह सब, नायमा इंक्लूडिंग आप भी, आप बताओ क्या 115.48 पे ईपीएस निकाल सकता हूं या क्लास बी वाले पार्टिसिपेटरी भी हैं? दीज शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन एनी रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टिंग डिविडेंड टू ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी सबको पैसा बांटने के बाद, सबको पैसा बांटने के बाद, ऐसा ही है। Such remaining shares are allocated between class B shareholders and ordinary shareholders in such a manner that the profit per share of the ordinary shareholder is twice the profit of the shareholder of class B shareholders. ऐसा ही है भाई, देखो ये भी per share के basis पे बांट के दिखा रहा है, ये भी per share के basis पे है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या मेरी जिम्मेदारी बन जाती है मैं undistributed profit निकाल लूं? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए क्या मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी माइनस करूं? अच्छा क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया है? यस सर, 2.5 पर शेयर का दिया गया है। टू पॉइंट फाइव इंटू कितने है ये? 10 मिलियन है। कितना आ गया ये? 2.5 × 10 = 25। चलिए जी 115.48 - 25, ये आ गया मेरे पास 90.48, ऐसा ही है। अच्छा अब जरा प्लीज सारे बच्चे मेरी बात फोकस होके सुनना, फोकस हो गया। क्या सब ये मानते हो कि जो भी फॉर द ईयर कमाया है इसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को इतना दे दिया, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर द ईयर के प्रॉफिट में से, मानते हो ये वाली बात? सही है भाई, रिमेनिंग ये है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी? मैं अगर ये कह रहा हूं कि एक्स रुपीस पर शेयर का डिविडेंड मैं दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो मैं 2x दूंगा किसको? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, ऐसा ही है, समझ आ रही है बात? भाई यही लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना इक्वेशन में, इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, इक्वेशन में सच रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड बिटवीन द क्लास बी शेयर होल्डर्स एंड द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन सच अ मैनर दैट द प्रॉफिट पर शेयर ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ट्वाइस होगा, ऐसा ही है भाई।
तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको मैंने अज्यूम किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ये क्लास बी के प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? 3 मिलियन है, 3 मिलियन है। इनका जो भी रिटर्न होगा उसका ट्वाइस मैं इन 10 मिलियन शेयर होल्डर को दूंगा, बट टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 90.48 है। हाँ भाई, ये इक्वेशन समझ आती है सर? ये हो गया 3x प्लस 20x इज इक्वल टू 90.48। तो ये आ गया 23x इज इक्वल टू 90.48। तो सर हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी भाई? 3.93। क्या मैं कह सकता हूं 3.93 प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेके जाएंगे? तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितने लेके जाएंगे? हाँ जी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितने लेके जाएंगे सर? 2 × 3.93, ऐसा ही है भाई, 7.86। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट ईपीएस निकालूं यहाँ पे, डायरेक्ट ईपीएस निकालूं यहाँ पे, सब बच्चों जरा फोकस के साथ देखना, ईपीएस अगर निकालूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैंने उनको फॉर द ईयर में एक शेयर पे 2.5 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 2.5 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऐसा ही है भाई? और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है मेरी कितनी है? 7.86। कोई मुझे बताएगा टोटल कितनी कमाए इन लोगों ने? हाँ जी, 10.36, ऐसा ही है। ये आ गई ईपीएस फॉर द ईयर। इक्वेशन दिखा देने दोबारा। अच्छा, इक्वेशन देखने से पहले इसका ऑल्टरनेटिव करा देता हूं मैं, ऑल्टरनेटिव जैसे हम करते हैं आज तक। जल्दी जल्दी बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? शामी नायमा जल्दी बता दो। सामा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? सर 150 मिलियन। अच्छा, इसमें से क्या क्लास ए का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूं? यस सर, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें। क्लास ए का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 16.52, ऐसा ही है, 16.52। अच्छा, फिर मैं लेस करूं क्लास बी का फिक्स रिटर्न, फिक्स रिटर्न कितना था क्लास बी का? 18। अच्छा, फिर मैंने लेस किया इसमें से क्लास बी का पार्टिसिपेशन का रिटर्न। अच्छा, क्या पार्टिसिपेशन का रिटर्न ऐसे निकलेगा कि 3.93 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3.93 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से? 3 से। कितना आ रही है? 11.79, ऐसा ही है भाई। तो नायमा मुझे बताओ, अगर 150 में से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे माइनस कर दूं तो किसके बचेंगे? तो सिर्फ किसके बचेंगे? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के। ये आ गया 103.69, ऐसा ही है भाई। तो 103.69 अगर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा है और ये 10 है, तो क्या मैं 103.69 को करूं तो क्या ये 10.36 ही आता है? क्या ये 10.36 आता है? ये रहा, 3.93 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? कहां पे उसामा? कौन से वाले में? इस पे, ये वाले पे। अच्छा उसामा, ये 3.93 पर शेयर है ना, ये पर शेयर है। मैं यहां से तो पूरा रिटर्न माइनस करूंगा ना अमाउंट वाला। ये एक शेयर पे,
सेट है। देखो हमने यहाँ पे निकाला था ना पर शेयर के बेसिस पे, सेट है उसामा, पर शेयर के बेसिस पे था इसलिए मैंने क्यूमुलेटिवली कर लिया। हाँ भाई नायमा कहाँ फंसे थे यहाँ पे बताओ जल्दी, किस चीज में फंसे थे आप? हाँ जी नायमा कहाँ मसला हुआ था? सब तो सही बता दी थी आप। भाई तुम लोगों से हो गया था, बाकी आप समझ आ गया, क्लियर है भाइयों? सब बता दो, सबको क्लियर है ये अब बात? ओके जी, देखिए एक पास पेपर आज हमने कर लिया, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं तो बाकी के सारे पास पेपर हम करेंगे क्लास में, वो भी अगली क्लास में, सेट है? मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट बाकी तो करा दूं। सही है जी, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।